नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आप इसे आखिरी और पहली दोनों कह सकते हैं, क्योंकि 42 लोकसभा सीटें हैं बंगाल में और 42 के 42 कैंडिडेट्स का नाम जग जाहिर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक बात और जग जाहिर हो गई है जो संशय था ना अब तक कि कांग्रेस और जो टीएमसी है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वो संशय दूर हो गया है, क्योंकि अधिरंजन चौधरी के खिलाफ भी टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। और इसी के साथ माना जा रहा है कि दोनों दलों के जो मतभेद हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। वैसे आपको बताते चले, अधिरंजन चौधरी तो जिस तरीके के बयानबाजी ममता बनर्जी को लेकर कर रहे थे, साफ तो पहले ही हो गया था, लेकिन अब एक तरीके से कन्फर्म माना जा रहा है। यूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं और इनमें सबसे प्रमुख तौर पर जिसकी चर्चा हो रही है वो नाम है यूसुफ पठान। जी हाँ, बहरामपुर सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प देखिए, ये वही सीट है जहां से अधिरंजन चौधरी मैदान में है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते आ रहे हैं। अब अधिरंजन के सामने होंगे यूसुफ पठान और किस तरीके से होगा ये मुकाबला, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकी जो प्रमुख नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। देखिए, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि नाम ऑलमोस्ट कंफर्म ही माना जा रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से पहले से भी सांसद हैं और इस बार फिर से सांसदी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कृष्णानगर से मऊआ मोइत्रा को टिकट मिला है, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, कूच बिहार से जगदीश बसुनिया, अलीपुर द्वार से प्रकाश बारिश, जलपाईगुड़ी से निर्मल राय, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्णा कल्याणी, बालूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से पूर्व आईपीएस प्रसून बैनर्जी, मालदा दक्षिण से शाहनाज अली रायन, बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट मिला है। आपको बता दें, ये नुसरत जहां की सीट हुआ करती थी। जादवपुर से सयोनी घोष को मैदान में उतारा गया है, ये वही सीट है जिससे मिमी चक्रवर्ती सांसद बनी थी। कुल मिलाकर ये प्रमुख सीटें और प्रमुख नाम है जिनको मैदान में उतारा गया है, जो अब तक सामने आए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी ने इस लिस्ट के जारी होने के बाद एक तरीके से सियासी पारे को हाई कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब पहले से ममता बनर्जी संदेश खाली के मुद्दे पर फंसी हुई है। बंगाल की जेलों में महिला कैदियों से क्या कुछ उनके साथ हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, इस तरह की खबरें हैं। और इन सबके बीच ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी ने अपनी पहली और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी अपने कैंडिडेट्स कुछ सीटों पर उतारेगी तो खेल किस तरीके से पलटेगा, क्योंकि आप देखिए, बहरामपुर सीट की अगर मैं बात कर लूं, एक तरफ अधिरंजन चौधरी, दूसरी तरफ यूसुफ पठान, दोनों का अपना अपना फैन बेस। अब कौन किसको आगे लेकर जाएगा, किस दल को आगे बढ़ाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसमें बीजेपी किस तरीके से सेंधमारी करेगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे।